डॉक्टर मनामी कैसी है? देखिए थोड़ा ब्लीडिंग हुआ है लेकिन ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश नहीं हुई. एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. हाँ चोट के इम्पैक्ट से शायद वो बेहोश हो गई होगी. डोंट वरी जल्दी होश में आएगी. अच्छा आपको कुछ आइडिया है कि मनामी पे किस चीज से अटैक हुआ होगा? अटैक? जी हाँ चोट देख के लग रहा है कि किसी ने सामने से उस पर अटैक किया. चलता हूँ मैं. कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके पास? सर ये टिकट्स वगैरह फेक भी तो हो सकती है. इनफैक्ट ये फेक ही तो है वरना अभय कल वॉशरूम में मेरे सामने कैसे होता? सर कल वो कलकत्ता में नहीं था, वो कल कोर्ट में था. एक आदमी एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? सर सर आऊंगा मैं आपके पास. ठीक है कोयल जी, जिस समय यह हादसा हुआ उस समय आपके अलावा वॉशरूम में कोई और था? किसी और ने आपको देखा? कोई गवाह है आपके पास? मैं था सर. बताओ बेटा अच्छी तरह से सोच के बताओ, जब आप वॉशरूम में थे तो आपने क्या देखा? निखिल सब कुछ सच सच बता दे. मैं वहां पे था और मैंने ये भी सुना था कि वो कौर को डांट रहे थे, डरा रहे थे और चिल्ला भी रहे थे. बेटा आपने सुना लेकिन क्या आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा था जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं? सर लेकिन वो कह रहे हैं ना कि उसने सुना था. वो देख कैसे सकता था? वो क्यूबिकल में था सर और अभय ने क्यूबिकल बंद कर रखा था. बट ही कुड हियर एवरीथिंग. कोयल जी मैं समझ सकता हूँ लेकिन निखिल एक छोटा बच्चा है, हो सकता है वो कंफ्यूज हो गया. उसकी बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? और कोर्ट को ये सब साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए और बच्चे की बात को सॉलिड प्रूफ नहीं कंसिडर किया जा सकता. आप मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते. इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है सर. He'll not be able to live without me. And I'll not be able to live without him, sir. मैंने बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत से इसको पाल पोस के बड़ा किया. सर मैं जानती हूँ कि मेरे पास अभय जैसे रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है लेकिन अभय इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर निखिल. अगर मैं श्योर होती कि अभय इसकी अच्छे से परवरिश कर सकता है, इसकी देख रेख कर सकता है तो मैं दिल पे पत्थर रख के निखिल को उसके पास जाने देती. अच्छा मुझे मालूम है वो एक अच्छा इंसान नहीं है. एंड निखिल इज नॉट सेफ विद हिम सर. सर मेरा बच्चा इनके साथ सेफ नहीं है. एब्सोल्युटली हाथ उसका टूटा जब मेरा बच्चा इसके साथ रह रहा. तमाम हादसे तब हुए मेरे बच्चे के साथ जब वो इसकी देखरेख में था. और हमारा बच्चा हमारे पास ही सुरक्षित नहीं है? सर मेरे बच्चे को अपने जैसा बना देंगे. दे आर मॉन्स्टर्स सर. प्लीज सर मुझसे दूर मत कीजिए निखिल को. प्लीज प्लीज रिलैक्स. कम डाउन. आज इसका हार्ट टूटा है, कल उसका सर फूट जाएगा, परसों पता नहीं मेरे जिगर के टुकड़े के साथ क्या क्या होगा. मिलोर मेरे पोते की कस्टडी मुझे दे दीजिए. मैं उसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगी. प्रॉमिस. बली मुनामी तू ठीक तो है? आनी चाहिए मुनामी. कैसे हुआ ये सब? डॉक्टर मैडम डर गए थे हम तो. देखो घबराने की कोई बात नहीं है. डॉक्टर ने कहा है कि मुनामी को थोड़े रेस्ट की जरूरत है बस. हाँ पर अब हमें सोचना होगा कि निखिल को वहां से कैसे निकालें. मैंने ना लॉयर से बात की, वो कह रहा है कि निखिल को थोड़े दिन वहां रहना पड़ेगा. पर कोयल की तो हालत खराब हो रखी है रो रो के. आई नो द ओनली अपसाइड इज कि जज ने निखिल को अभय या उसकी दादी के हवाले नहीं किया. आई एग्री. लॉर ने ये भी कहा है कि
that we have a chance. वो निखिल की कस्टडी कोयल के पास रिटेन करने की. लेकिन आसान नहीं होगा. जैसे तुझे बड़ा पता है बल्ली. मेरे कहने का मतलब है जी, अभय बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बंदा है. वो निखिल को वहां से निकालने की, उससे मिलने की कोशिश जरूर करेगा. कोयल को भी इसी बात का डर है. लेकिन कोयल है कहाँ? अपने कमरे में होगी. सुमन जी देख कर आती. चल बाला. Hello, hi. I am Rahul. ये तुम्हारा बेड है और डिनर 8 p.m. पे सर्व होगा. लेट मत करना, नहीं तो खत्म हो जाएगा. और यहाँ गेम्स के साथ साथ पढ़ाई भी होती है. और तुम्हारे ये ट्यूशन टीचर भी अपॉइंट हो गया है. मैं अभी चेक करके उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ. ओके, अभी थोड़ी देर में. वेल डन. चलो बॉयज, कम ऑन. हेलो. हेलो, मैं अमिताभ. कौन? बच्चन? अरे बच्चन नहीं, सिंह, ट्यूशन टीचर. कोर्ट ने अपॉइंट किया. अच्छा, ये रहा. किधर है बच्चे? आगे से राइट. निखल. ओ हेलो. हो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.